निफ्टी के अंदर दोस्तों चल रही है गिरावट। ये गिरावट कब तक आगे बढ़ सकती है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्या टॉप लग गया उसकी भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों उसके सपोर्ट जोन के ऊपर। सपोर्ट जोन रहेगा 17,520 से लेकर 17,475 का लेवल। अगर हम ये लेवल को नीचे की तरफ काटते हैं, जिसकी उम्मीद है कि काट सकते हैं, और 17,400 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। हमें खास ध्यान रखना है 17,300 के लेवल के ऊपर। अगर हम 17,300 का जो फाइनल सपोर्ट है वो अगर नीचे की तरफ काट देते हैं तो फिर इसके अंदर दिक्कत हो सकती है और फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। तो जब तक 17,300 के ऊपर है तब तक कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट होने की उम्मीद कम लग रही है। वो लेवल काटते हैं तो 17,175 17,050 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और 17,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तब तक उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे 16,400 से लेके 16,500 के लेवल के। बाकी अभी टॉप नहीं लगा है दोस्तों, टॉप तो लगेगा बहुत ही ऊपर, ठीक है। हालांकि बीच बीच में ऐसे करेक्शन आते रहेंगे लेकिन टॉप तो अभी बहुत दूर है। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो दोस्तों लेवल्स इन स्टॉक करके प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग रोज एक आध दो स्टॉक के बारे में मैं अपडेट डालता हूँ। तो आप जरूर जाके चेक करें लेवल्स इन स्टॉक। और आप भी अगर मेरा ट्रेडिंग सेटअप का यूज करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप मेरे ट्रेडिंग सेटअप का यूज कर सकते हो। बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तो 17,550 से 17,650 रेजिस्टेंस है। अगर 650 के ऊपर चलते तो 17,775 इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर चलते 17,900, उसके ऊपर जो है वो 18,050 से 18,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन रहेगा दोस्तों 40,700 से 40,550 का लेवल। ये लेवल काटते हुए 40,150 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके नीचे 39,850 फाइनल लेवल। जब तक फाइनल सपोर्ट ब्रेक ना हो तब तक जो है वो हमें थोड़ा सा शॉर्ट से बचना चाहिए, ठीक है। हालांकि वहाँ पर जा सकते हैं उसके आसपास, लेकिन वो लेवल ब्रेक करना जरूरी है बड़ी मंदी के लिए, मतलब बड़े करेक्शन के लिए। मंदी तो हम नहीं कह सकते लेकिन करेक्शन वर्ड ठीक रहेगा। तो वो करेक्शन उसके नीचे ही हो सकता है। बाकी 39,550 से 39,050 का लेवल और 38,000 तक के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं आफ्टर ब्रेकिंग 39,850। तब तक जो है वो कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 40,800 से 40,875 रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर चलते हैं 41,050 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो लेवल अगर ऊपर की तरफ काट देते हो तो 41,300 फाइनल हमारा रेजिस्टेंस है, वो काटते हैं तो फिर 41,550 से 41,950 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। जो करेक्शन उसने स्टार्ट किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 17,300 के आसपास जा सकते हैं और बैंक निफ्टी में लगभग 39,850 के आसपास जा सकते हैं, और वहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड है ऐसा अभी के हालात से मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी कुछ चेंज होगा तो देखेंगे दोस्तों अगले वीक के अंदर। और मेरा लेवल्स इन स्टॉक करके प्लेलिस्ट है, उसका विजिट करना बिल्कुल मत भूले। उसके अंदर जो है वो अलग अलग स्टॉक के बारे में सपोर्ट, SL, टारगेट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट पॉइंट सारा जो है वो डिस्कशन हमने किया है, तो वो जाके जरूर एक बार चेक करें। और मेरा इंट्राडे का ट्रिक जो है वो दोस्तों नीचे लिंक है, वो लिंक ओपन करके पूरा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो आप उसको समझ सकते हो और यूज भी कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।